Hey guys, welcome to Education Key 86. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल Education Key 86 में। और आज हम देखने जा रहे हैं 4th of July का करंट अफेयर। जी हाँ, हमारे साथ क्यूज में बने रहिएगा और हर क्वेश्चन का आंसर देते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये करंट अफेयर 4th of July का। उससे पहले इस बिल के आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। तो ये रहा आज का पहला सवाल, भारत का पहला खादी मॉल कहाँ स्थापित किया जाएगा और इसके खादी और अन्य हस्तलिपियों को एक बड़ा बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है, या मिलेगा, ठीक है। तो कहाँ स्थापित किया जा रहा है, किया जाएगा और इसके खादी और अन्य हस्तलिपियों को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। वेयर विल द इंडियाज फर्स्ट खादी मॉल be located and will it give a big boost to khadi and the other handlooms। चलिए, तो आपको आंसर पता है बच्चे, तो इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या तेलंगाना। तो देखिए, ये है आंसर आपका झारखंड से। जी हाँ, आंसर है झारखंड में इस खादी मॉल का, खादी मॉल को बनाया जा रहा है, बनाया जाएगा, जिससे कि खादी में और हैंडलूम्स के जो बिक्री होंगी उसमें उसका बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो अगला हमारा सवाल है कि सरकारी बैंकों के NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्याएं दूर करने के लिए सरकार ने कौन सी योजना लागू करने की घोषणा की है। तो ये है ऑप्शन आपके प्रोजेक्ट सशक्त, प्रोजेक्ट NPA, प्रोजेक्ट कर्ज या फिर कर्ज वसूली प्रोजेक्ट। ये ऑप्शन है आपके, आपका जो भी आंसर होगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। और जो बच्चे आंसर को नहीं दे पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं टाइम के मुताबिक, तो उनके लिए भी हम अपने डिस्क्रिप्शन में इसका PDF डाल दे रहे हैं ताकि वो PDF पढ़ ले। लेकिन PDF के साथ साथ बता दूं कि डिस्क्रिप्शन जानना बहुत जरूरी है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देख लें एक बार एटलीस्ट कभी भी, ठीक है। इसका आंसर है बच्चे ए, प्रोजेक्ट सशक्त। इसे सुनील मेहता की अध्यक्षता में गठित समिति रिपोर्ट के आधार तैयार किया गया है। जी हाँ, नाम याद रखिएगा, सुनील मेहता इसकी अध्यक्षता करेंगे। किसकी? तो इस नॉन परफॉर्मिंग एसेट की, जो कि सरकारी बैंकों के समस्याओं को दूर करेगी, ठीक है। और 2 जुलाई को इसकी बैठक हो चुकी है, प्रोजेक्ट सशक्त लागू करने की घोषणा भी हो गई है 2 जुलाई को। और प्रोजेक्ट सशक्त के तहत 5 सूत्री फार्मूला लागू किया जाएगा, जिसमें से 500 करोड़ के सबसे ज्यादा फंसे कर्ज एसेट मैनेजमेंट कंपनी वसूलेगी, जो कि निजी क्षेत्र की भी कंपनी उसमें शामिल है, ठीक है। इतना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बच्चे क्या। तो 500 रुपए करोड़ से भी ज्यादा राशि, 200 बैंक खाते, इनमें से तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए की कर्ज फंसे हुए हैं। किनके? तो सरकारी बैंकों के NPA के थ्रू, ठीक है। तो इसकी वसूली अब की जाएगी, जिसमें कि जो प्राइवेट बैंक होंगे उनसे भी ये कर्ज वसूली किया जाएगा, ठीक है। तो 50 से 500 करोड़ NPA के लिए लीड बैंक की भूमिका बढ़ गई है और 50 करोड़ की से कम NPA के लिए बैंक की समिति के फैसला जरूर करेगी। और एसेट जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से भी फंसे हुए कर्ज के सुलझाएगी ये कमेटी, ओके। ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्याएं दूर करने के लिए जो ये प्रोजेक्ट चालू किया गया है, प्रोजेक्ट सशक्त, इसका आंसर है ए, ओके। चलिए अगला है सवाल हमारा कि इंडियन एयरफोर्स ने 2 जुलाई 2018 को किस स्वदेशी लड़ाकू विमान का संचालन शुरू किया है। तो ऑप्शन है तेजस, HAL, राफेल या मिग। तो ऑप्शन है आपके 4, तेजस, HAL, राफेल या मिग। तो आंसर कमेंट कीजिएगा। व्हाट इंडिया इंडिगियस फाइटर एयरक्राफ्ट हैज स्टार्टेड द ऑपरेटिंग ऑन जुलाई 2, 2018। तो आंसर है बच्चे ए, तेजस। जी हाँ, तेजस ने तमिलनाडु में सुलर वायुयान वायुसेना जो है स्टेशन से संचालन शुरू कर दिया है और यह देश का सबसे छोटा मल्टी रोल सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। याद रखिएगा, तेजस जो है वो सबसे छोटा मल्टी रोल सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है और वायुसेना में शामिल होने के 2 साल बाद सोमवार को इस हल्के लड़ाकू विमान ने संचालन अपना शुरू कर दिया है। विमान 45 स्क्वाड्रन फ्लाइंग डैगर्स, ठीक है, डैगर्स का हिस्सा है इसका, और इसका डिजाइन जो है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने किया है। किसने किया है? एरोनॉटिकल एजेंसी ने किया है, डेवलपमेंट एजेंसी ने।
और निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL हॉल ने किया है। एक इंजन वाला एक लड़ाकू विमान है, वायुसेना और नौसेना की जरूरतों को पूरा करेगा। इसका नाम है बच्चे तेजस, याद रखिएगा। मैक्सिको के राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज की है? वन द प्रेसिडेंट इलेक्शन इन मैक्सिको। तो ऑप्शन है आंद्रेस मैनुअल लुपिस ओब्राडोर, जोश एंटेनियो, रिकार्डो आयाना या फिलिप कैल्ड्रन। तो आंसर है बच्चे ए, यानी कि आंद्रेस मेलिकन लोपेज। जी हाँ, इन्होंने ये पहली जो है, बता दो कि ये वामपंथी नेता है जो कि इस बार पहली बार मेक्सिको में वामपंथी दल के एक नेता को राष्ट्रपति बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इनका नाम है आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडो। ठीक है, इन्होंने 53% वोट मिले हैं टोटल काउंटिंग में। इनको पाया गया है कि 53% वोट मिलकर ये विजय घोषित हुए हैं। और मेक्सिको में साल 1929 में ये हर 6 साल में राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे, लेकिन अभी तक सिर्फ देश के दो ही प्रमुख दल नेशनल पार्टी जो कि PAN और इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशन पार्टी है ने देश में शासन किया है। और ये पहली बार वामपंथी दल के नेता आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर को यहाँ का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। चलिए, तो अगला हमारा सवाल है कि मई महीने में इंडिया के 8 प्रमुख कोर सेक्टर का ग्रोथ कितना प्रतिशत रहा? इन मई मंथ व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज 8 मेजर कोर सेक्टर ग्रोथ वाज। चलिए, तो आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका आंसर है बच्चे ए, यानी कि 3.6%। जी हाँ, 3.6% कह सकते हैं इसको। अप्रैल में यह 4.6% रहा था और यहाँ 8 कोर सेक्टर में से उद्योग शामिल है कौन कौन? तो 8 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी शामिल है। ठीक है, तो इसकी इतनी जो 8 इसमें प्रमुख कोर सेक्टर है, जो ये कौन कौन से मैंने जो बताया इसको नोट कर लीजिएगा। कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है या और फर्टिलाइजर, स्टील है, सीमेंट है और इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, जिससे कि सिर्फ अकेला इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट में कोल, क्रूड ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी देश के इंडस्ट्रियल आउटपुट का 40% हिस्सा रखती है। बहुत ही बड़ा हिस्सा रखता है कौन? इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी और कोल, ये तीन जो है 40% हिस्सा खुद रखती है। और वाणिज्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि 8 कोर इंडस्ट्रीज वाला यह संयुक्त सूचकांक मई 2018 में 133.4 पर रहकर जो मई 2017 की तुलना में 3.6% की बढ़ोतरी हुई है पिछले साल से। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जाम में। निकेई इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स इंक्रीज इन जून, हाउ मच वाज द निकेई मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स PME इंक्रीज इन जून। तो आंसर है बच्चे बी, 53.1। जी हाँ, देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर बात की जाए तो वहाँ जून महीने में के दौरान बहुत ही तेजी देखने को मिली है और यह इस साल में अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है मैन्युफैक्चर का। और घरेलू और निर्यात ऑर्डर में आई तेजी के चलते देखने को मिला है कि दिसंबर 2017 के बाद अब तक यह सबसे उम्दा प्रदर्शन रहा है, जिसमें कि ये 50 अंक ऊपर तक गया है। जी हाँ, और ये 53.1 इंडेक्स में रहा इस बार। ठीक है, निकेई इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स। ओके, चलिए, देश की सबसे उन्नत और लंबी दूरी तय कर मार करने वाली मिसाइल का नाम बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बैंकिंग में पूछता है अक्सर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ही पूछेगा। व्हाट इज द नेम द नेशंस द मोस्ट एडवांस्ड एंड लॉन्ग रेंज हिटिंग मिसाइल। तो आंसर है बच्चे इट्स ए, अग्नि 5। ठीक है, अब ये मिसाइल जल्द ही स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड यानी कि SFC
का हिस्सा होने जा रही है, ये नोट कर लीजिएगा। और 5000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली यह मिसाइल का प्रणाली परमाणु सामग्री ले जाने में भी सक्षम होगी। ठीक है, अगला हमारा सवाल है कि हाउ लॉन्ग हैज द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द फाइनल पब्लिकेशन ऑफ द नेशन रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप NRC ऑफ असम। तो ऑप्शन है 31 जुलाई, 15 जुलाई, 10 अगस्त या 30 सितंबर। तो आंसर है बच्चे ए, 31 जुलाई को। ठीक है, इससे पहले 30 जून को इसका प्रकाशन किया जाना था, इससे पहले दिसंबर 31 2017 को इसका ड्राफ्ट जारी किया गया था और इसमें 1.9 करोड़ लोगों की वैध नागरिक माना गया था, जबकि कुल 3.29 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने असम के राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण में टोटल लोग जो अप्लाई किए थे वो 3.29 करोड़ लोग अप्लाई किए थे, जिसमें कि 1.9 करोड़ लोगों को वैध नागरिकता का सिटीजनशिप यानी कि वहां की नागरिकता मिली थी। ठीक है, 31 जुलाई को ये आंसर है बच्चे इसका। और कब तक बढ़ा दी गई है, तो 31 जुलाई तक इसको बढ़ा दी गई है, अभी और जांच बाकी है। चलिए हमारा अगला सवाल है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट विद द निसान मोटर कंपनी लिमिटेड टू मेक द फर्स्ट ग्लोबल डिजिटल हब। निसान मोटर कंपनी लिमिटेड ने पहला ग्लोबल डिजिटल हब बनाने के लिए किस राज्य को चुना है और उसके साथ समझौता किया है? तो आंसर बच्चे ए, केरल। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और निसान डिजिटल हब एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका में स्थापित होने वाले अनेक सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट सेंटर है का पहला सेंटर केरल में खोलने जा रहा है। यह सेंटर डिजिटल टेक्नोलॉजी को भी अपने पूरे ऑपरेशन और सेवाओं के केंद्र में रखकर कारोबार में बदलाव लाएंगे। अच्छा, पहला से जो सेंटर है तिरुवनंतपुरम के टेक्नो पार्क में स्थित होगा इसका। ठीक है, और इसको नोट कीजिएगा, इसका स्वामित्व जो है केरल सरकार के पास होगा, यानी कि केरल गवर्नमेंट जो है वहां की, ठीक है, वो होंगे यहाँ के मेन जो गवर्नमेंट है वो उसकी देख रेख करेगा। ठीक है, निसान मोटर कंपनी लिमिटेड की। चलिए अगला हमारा सवाल है कि राज्य एवं संघ शासित प्रदेश बिजली नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्री का सम्मेलन 3 जुलाई 2018 को कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जो है कल का न्यूज है, तो ये है बच्चे आंसर इसका शिमला में। याद रखिएगा इस चीज को, क्योंकि करेंट से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ये एक दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य है वर्तमान में जारी विभिन्न योजनाएं, कार्यक्रमों और कार्यान्वयन समीक्षा का, बिजली तथा नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में संबंधित कई सारे मुद्दों पर विचार करने का व्यर्थ हुआ है, जो कि दिसंबर 2018 तक 100% घर में बिजली पहुंचाया जा सके इसकी वजह से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट है। PDF पढ़ लीजिएगा एक बार जरूर, और कुछ भी अगर गलत लगे क्वेश्चन के आंसर आपको, तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपके साथ हैं, उसका आंसर जरूर करेक्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।